Hope you all are doing great. So, our today's topic is going to be on books and authors. जितने भी books अभी recently ही की बात कर रही हूँ मैं, जितने भी books अभी 2023 में latest book launch की गई हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे and देखेंगे कौन-कौन सी books release की गई हैं and कुछ autobiographies के बारे में भी मैं आज discuss करूँगी, okay? तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक व्हिच इज बुक्स एंड ऑथर्स. सो फर्स्ट बुक इज मोदी शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर एंड फ्लक्स. ये जो बुक है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से रिलेट करती है एंड ये प्राइम मिनिस्टर जी से रिलेटेड है ये बुक, तो ये बुक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है. सो इसके जो ऑथर हैं वो टोटल 3 ऑथर हैं, उनके नेम हम देख लेते हैं. सो जॉन चिनॉय, विजय चौथाई वाला एंड उत्तम कुमार सिन्हा. तो ये जो तीनों ही ऑथर हैं इस बुक के, मोदी शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर एंड फ्लक्स, तो आप याद रखिएगा. ओके, नेक्स्ट वन इज विक्ट्री सिटी. विक्ट्री सिटी एक नॉवल है जो कि लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा. ओके, तो ये जो नॉवल है ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड ये बहुत ही ज्यादा फेमस इंडियन ऑथर हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा. एंड इन्होंने हाल ही में अभी न्यू नॉवल रिलीज की है, लॉन्च की गई है, उसका नेम है विक्ट्री सिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन द पुअर. ये जो बुक है इसके ऑथर हैं मेघनाथ देसाई. ओके, तो इनको आप याद रखिएगा. नेक्स्ट वन इज कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम. तो ये जो बुक है ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि लिखी गई है आर श्रीधर के द्वारा एंड इनके साथ किसने मिलकर लिखी है ये ऑटोबायोग्राफी, इनकी किसने हेल्प करी है, वो है आर कौशिक. तो ये जो दोनों ही हैं, इन दोनों ने मिलकर ये कोचिंग बियॉन्ड लिखी है बुक. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ नेक्स्ट वन इज इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन. ये जो बुक है ये लिखी गई थी डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा. ओके, इनका नाम याद रखिएगा आप. नाउ नेक्स्ट वन इज थ्री रेज स्टोरीज फ्रॉम सत्यजीत रे. तो ये जो बुक है ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है. किसके बारे में है ये? ये है सत्यजीत रे, इन्होंने ही ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपने बारे में, जिसका नेम है थ्री रेज. ये आप याद रखिएगा. नेक्स्ट वन इज कम लेट्स रन. ये जो बुक है ये लिखी गई है सुब्रमण्यम के द्वारा. ये एक इंडियन तमिल लॉयर है, बिजनेसमैन है एंड पॉलिटिशियन है एंड करंटली ही इज सर्विंग एज द मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ तमिलनाडु. ओके, तो आप इनको याद रखिएगा. तो इनकी जो बुक है वो है कम लेट्स रन, इनके द्वारा ही लिखी गई है ये. नाउ नेक्स्ट वन इज रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम. ये रेवोल्यूशनरी से रिलेटेड है ये बुक, जो कि लिखी गई है संजीव सान्याल के द्वारा. ये एक इकोनॉमिस्ट एडवाइजरी है जो कि एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, तो इनके द्वारा ही ये बुक लिखी गई है रेवोल्यूशनरीज. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज COVID-19 वैक्सीन स्टोरी. तो ये जो बुक है ये लिखी गई थी आशीष चंदोरकर के द्वारा. तो ये पूरी ही बुक एक वायरल स्टॉर्म के ऊपर है जो कि COVID-19 वैक्सीन स्टोरी से रिलेटेड है. ओके, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, आशीष चंदोरकर. नाउ नेक्स्ट वन इज स्पेयर. ये एक मेमोयर है, ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मेमोयर है, वो इसलिए क्योंकि ये जो लिखा गया है ये प्रिंस हैरी के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक ड्यूक ऑफ सुसेक है, मतलब कि ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश रॉयल फैमिली. आप इनको बहुत अच्छे से जानते ही हैं, प्रिंस हैरी. ओके, एंड ये जो बुक है ये अकेले ने नहीं लिखी है इन्होंने, इनकी जो हेल्प की गई है इस बुक को लिखने में वो की गई है J.R. मॉरिंगर के द्वारा. तो इन दोनों ने ही मिलकर ये बुक लिखी है, एक मेमोयर है जिसका नेम है स्पेयर. तो आप याद रखिएगा, प्रिंस हैरी प्लस J.R. मॉरिंगर ने मिलकर इस मेमोयर को लिखा है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हॉकी एंड इंडिया ए गोल्डन लेगेसी. ये एक बुक है जो कि लिखी गई थी एक स्पोर्ट स्टार के द्वारा ऑन इंडियन हॉकी. ओके, इनका कोई नेम नहीं है ऐसे स्पेसिफिकली, तो आप याद रखिएगा, एक स्पोर्ट स्टार के द्वारा लिखी गई है ये बुक ऑन इंडियन हॉकी पर.
एंड ये जो बुक रिलीज की गई थी बाय द उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा रिलीज की गई है, क्योंकि ये जो हॉकी का अभी वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था वो किया गया था उड़ीसा में, तो इसीलिए वहां के उड़ीसा के सीएम ने इस बुक को रिलीज किया था। तो इनका नेम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नवीन पटनायक रिलीज दिस बुक हॉकी एंड इंडिया अ गोल्डन लेगेसी, तो ये आप याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज जादूनामा। ये जो बुक है ये लिखी गई है जावेद अख्तर के द्वारा, ओके तो ये इनके ही द्वारा ये बुक लिखी गई है जादूनामा, इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जादू एंड जावेद, ठीक है, लिंक कर रहा है ये, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज अनजान साक्षी मी एज द विटनेस। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है ऑफ ए प्रोफेसर अब्दुल गफार खान, इनकी ही ऑटोबायोग्राफी है जिसका टाइटल है अनजान साक्षी मी एज द विटनेस। एंड ये जो बुक है ये रिलीज की गई थी बाय एन आर्मेनियन पर्सनालिटी MS धोनी के द्वारा, तो ये भी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिन्होंने रिलीज किया है इस बुक को वो है MS धोनी। एंड ये ऑटोबायोग्राफी है प्रोफेसर अब्दुल गफार खान जी की अनजान साक्षी, सो जस्ट रिमेम्बर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन इज चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर वन। तो ये जो डायरी है ये इनके ऑथर हैं असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा, तो इनके ही द्वारा ये चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर वन लिखी गई है। एंड ये जो डायरी है ये रिलीज की थी बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने, ओके तो ये दोनों ही लिंक करते हैं असम से, एंड असम के सीएम ने हेमंत बिस्वा ने ये डायरी लिखी है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि रिलीज की गई थी बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, ओके। नाउ द लास्ट वन इज अम्बेडकर अ लाइफ लॉन्च्ड। तो ये जो बुक है ये लिखी गई है शशि थरूर जी के द्वारा, तो आप इनके बारे में याद रखिएगा, ये जो बुक है अम्बेडकर तो ये शशि थरूर जी ने लिखी है, ये करेंटली ही लॉन्च की गई थी अभी जैन में आई गेस, ओके सो जस्ट रिमेम्बर हिज नेम। नाउ नेक्स्ट हम कुछ नोटेबल बुक्स के बारे में जान लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ एक दो मैंने इंपॉर्टेंट ऑथर्स के नेम लिए हैं जो कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं इंडिया में, ओके तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि शशि थरूर जी हैं उन्होंने कौन कौन सी आज तक बुक लिखी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। सो फर्स्ट वन इज रायट 2021 में लिखी गई थी ये बुक, आफ्टर दैट व्हाई आई एम अ हिंदू एंड द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये जो दोनों ही बुक हैं ये भी 2018 में रिलीज की गई थी। नेक्स्ट वन इज इंडिया फ्रॉम मिड नाइट टू मिलेनियम 1997 में रिलीज की गई थी, एंड द लास्ट वन इज प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री, ये अभी रिसेंटली ही इनकी बुक रिलीज की गई थी 2021 में। एंड लास्ट अभी हमने डिस्कस किया था अम्बेडकर जी के बारे में, तो ये सारी ही जो बुक हैं ये किसके द्वारा रिलीज की गई हैं, वो की गई हैं शशि थरूर जी के द्वारा, ओके सो जस्ट रिमेम्बर हिज नेम। ये पूरी ये जो सारी ही बुक हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो जस्ट रिमेम्बर ऑल दीज बुक्स। नाउ नेक्स्ट वन इज सलमान रुश्दी, ये भी बहुत ही ज्यादा फेमस ऑथर हैं इंडिया में, ओके तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं इंपॉर्टेंट बुक्स, ग्रिमस, मिडनाइट चिल्ड्रन, शेम, द मूर्स लास्ट साय, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, फरी, द गोल्डन हाउस एंड द लास्ट वन इज किशॉट। तो ये जो सारी ही बुक हैं ये इसके ऑथर हैं सलमान रुश्दी, इनका नाम आप याद रखिएगा, बहुत ही फेमस ऑथर हैं, ओके एंड द लास्ट वन इज अरुंधति रॉय, ये भी बहुत ही फेमस ऑथर हैं, तो इनकी बुक्स के बारे में भी हम जान लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस बुक्स हैं, दीज आर पावर पॉलिटिक्स, द एलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, वॉर टॉक, ब्रोकन रिपब्लिक, थ्री एसेस, कैपिटलिज्म, अ घोस्ट स्टोरी, तो ये जो सारी ही बुक हैं इनके ऑथर हैं अरुंधति रॉय। So this is the end of our topic and I hope you have found this video informative, and for more informative please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education, and thanks for watching, bye bye, take care, I'll see you in the next one.